हाँ जी हो गया। अब आ गया अगला लिब्रा। लिब्रा मतलब कौन सी राशि है, किसकी तुला है? वीनस वीनस की। वीनस की, तो वीनस वीनस वाली पढ़ाई तो कर ही सकता है ना। इंटीरियर डिजाइनिंग। एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ता है इसी से, मैथ्स भी पढ़ता है इसी से, बीकॉम, फाइनेंस। देखिए वित्त जो है वो वीनस से आता है, पैसा, छोटा वाला नहीं बड़ा वाला पैसा, वो वीनस से आता है, वीनस की राशि है। पैसे को किससे देखते हैं, वीनस से देखते हैं, तो राशि पैसे की है ना ये, तो पैसे की पढ़ाई तो कौन सा होगा, बीकॉम, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, होम्योपैथी। कपड़ा, नहीं। क्लोथ्स, नहीं। म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वास्तु, और लॉ। तो मेरा 7 में है, मेरा बीकॉम ही किया हुआ मैंने, और मैथ्स में भी इंटरेस्ट, मैथ्स का भी बहुत। सर मेरे हस्बैंड का है, बीकॉम किया है, और ऑटोमोबाइल का खुद का शॉप है, उसमें एक काम कर। हाँ, तो सैटर्न भी आजू बाजू में होगा उनका। हाँ सैटर्न एस्पेक्ट कर ट्राइन आ गया ना, क्योंकि में। प्रोफेशन में जुड़ गया ना तो सैटर्न होगा, पढ़ाई में जुड़ गया तो मरकरी होगा। इसे कुछ नहीं पढ़ा था ना वहां पे आपने, कुछ भी नहीं। मुझे समझ नहीं आता लोग कराते क्या है, मतलब ऐसे ही पैसा ले लेते हैं। मुझे अपनी फीस बढ़ानी पड़ेगी। वीनस बढ़ाना फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे सर, हम नहीं बढ़ाना सर ज्यादा। ना ना, मैं स्मार्ट हूँ, मैं ऐसे थोड़ी करूंगा। मैं कोर्स को दो पार्ट में कर दूंगा, बेसिक और एडवांस। अभी तो एक ही कोर्स है, उसी में सब कुछ दिए जा रहा हूँ। अरे पूछ लो इनसे, ये पढ़ के आई है, कहीं से नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें से आधी चीजें अभी तक आपने जितना पढ़ा है गिरा यहाँ पे, उसमें से 70-80% उसने नहीं पढ़ाया ना, 1% भी नहीं सर। बताओ। ओहो सर, अपने ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो उनसे पढ़ के आए हैं, हाँ उनसे मुझे पूछो, मालूम है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, मुझे मालूम है। उनसे भी पूछो, उनको भी पता रहेगा क्या क्या सीखा। बताओ, जो मैं अब तक आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें से कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, कमाल है। सर पहले दिन से लाइक समझ आती है सर आपकी पढ़ाई। शुरू ही शुरू से करता हूँ ना मैं, जीरो से। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, इसीलिए मेरे से लोग कंटेंट पूछते हैं, मैं सोचने लग जाता हूँ यार इनको कंटेंट क्या बताऊँ। मैंने सब पूछते हैं, आपने नहीं, सबने पूछते हैं। जो पुराने जुड़े उनको तो मैं बोलता हूँ आ जाओ, आ जाओ। नया जो जुड़ता है वो पूछता है कंटेंट, और मैं इतना कंफ्यूज होता हूँ मैं इनको क्या कंटेंट बताऊं यार, बहुत मुश्किल है कंटेंट बताना, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं मैं जो नहीं पढ़ा था। अपनी तरफ से मुझे जितना आता है मैं सब बताता। एस्ट्रोलॉजी ऐसा लगता भी नहीं था कि इतनी डिटेल में होता है, जैसे हवा ही लगता था ये नहीं सीखना, कुछ और कर लो, अरे ये तो पता नहीं। देखो, आपको देख के घुसे हैं इसमें हम, सही है। मैं तो ना अगर आती। होता पता है क्या है, वही जो ये बता रही है, लोग पढ़ाते नहीं, बेसिक से शुरू नहीं करते। अब जो हाँ, उस नया वजह से बच्चा समझ फर्स्ट नहीं आता। टाइमर है उसको क्या समझ में आएगी, और एक टीचर आपको उल्टा सीधा मिलकर आपका हमेशा के लिए इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। यार ये वहां से किया था, पैसे भी खराब हो गए, और थोड़े पैसे नहीं देखे आए, ठीक ठाक पैसे देखे।
ऐसे नहीं कि 4,000 6,000 में सीखे हैं। मैं हैरान होता हूँ, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। तो सर वो बेस ही नहीं बनता ना, फिर इंटरेस्ट नहीं रहता उस चीज में। मैं सबसे ज्यादा मेहनत अपनी पहली की क्लासेस में करता हूँ, पहली 4-5 क्लासेस, क्योंकि वहीं से बेस बनना है। अगर वहां पे आपका कुछ गड़बड़ हो गया, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए। हाँ गिरीश क्या बोल रहे हो? मतलब हम लोग लकी है सर, आपसे डायरेक्ट सीख रहे हैं ना, स्पेशल है ना हम लोग। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इस बात में तो है सर। सर सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया है कि नोट्स नहीं बनाना पड़ता है सर, ऐसा याद रहता है लाइक। अरे मैंने जिंदगी में खुद कभी नोट्स नहीं बनाए, कभी नहीं बनाए। प्रीवियसली इतने नोट्स बना के रखा है सर, वो पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं सर। मैं ऐसे ही किसी से बात कर रहा था, उनको एक रेमेडी दे गया है सर बात बात में। अमेजिंग सर, अमेजिंग। सर आप जैसे बताते हो ना, उसी टाइम किसी भी राशि में वो चीज देख लो, वो मिलती है, वो वहीं से प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, मिलेगी। वो प्रैक्टिस है। मैं तो कहता हूँ नहीं मिले तो बताओ। मनोज जी थोड़ा जल्दी कर रहे थे, मैंने कहा रुक जाओ मुझे पढ़ा ले। अब मैच करेंगे कलाम साहब की नहीं करे? नहीं सर, राहुल नहीं समझ में आया। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। आज कलाम साहब को ही पकड़ लेंगे। अरे नहीं छोड़ेंगे थोड़ी, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। सर मैं तो बार बार देख देख के सीख जाता सर, एक बार समझ में कुछ नहीं आता सर। आज कॉपियों तक ही रखिए, फिर अगली कल अगली कराते हैं, आज थोड़ी प्रैक्टिस करो है ना।